एक बार फिर से अपन देखते हैं सातवां क्वेश्चन। वो सातवां क्वेश्चन क्या है? वो सातवां क्वेश्चन ये है ना, इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से रफ कर दे रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। एक आपको उत्तर लेंस की छह कंडीशन याद होंगी। छह कंडीशन कौन कौन सी थी? अगर मैं इस उत्तर लेंस के बारे में बात करूं, उत्तर लेंस में एक पहले अनंत पर थी वस्तु, फिर उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कहीं आ गई थी, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर आ गई थी, फिर इन दोनों के बीच में आ गई थी, फिर यहाँ आ गई थी, फिर यहाँ आ गई थी, है ना। ये कौन सा था? इसका फोकस बिंदु था, F1 था। अच्छा, जो आखिरी कंडीशन आई थी, फोकस और इसके प्रकाशीय किरण के बीच में यहाँ पर जो वस्तु आई थी, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। जब इस वाले की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तु को यहाँ पर अगर रखा था मैंने, तो आपको याद होगा आखिरी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना था। एक प्रकाश किरण समांतर आएगी और वो कहाँ से होकर जाएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। वो ऐसे चली गई थी। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे कहीं होके जा रही थी। अब हुआ क्या था इसमें, ये मैं डायग्राम क्लियर नहीं बना पा रहा हूं। इस वाले जो उसमें हुआ था, वो हुआ ये था कि ये वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर नहीं काटेंगी, यहाँ पर फैलती जाएंगी, तो इसको हमने जो है वो पीछे की तरफ बढ़ाया था। और प्रतिबिंब कहाँ बना था? यहाँ पर बना था, सीधा बना था और आभासी बना था, वस्तु से बड़ा बना था। याद है कि नहीं? अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बुक में एग्जैक्ट डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई टाइम अपने पास अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से समझो, है ना। मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, नेत्र लेंस चैप्टर 10 में ले जा रहा हूँ। और 10 में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो उत्तर लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब थे, आखिरी वाली पोजिशन देखो, ये वाली कंडीशन आपको दिख रही होगी, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ जिसके नीचे F लिखा हुआ है, ये वाले डायग्राम की, है ना। वस्तु देखो कहाँ पर रखी हुई है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हुई है। जब वस्तु पर प्रकाश एक समांतर आपतित हुआ तो एक F2 से निकल के चली गई, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर चली गई। ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ नहीं काटेंगे तो पीछे काट रही होंगी, पीछे काट रही होंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा, सीधा बन रहा होगा, बड़ा बन रहा होगा वस्तु से, और आभासी बन रहा होगा। डॉट डॉट बन रहा है ना, तो आभासी बन रहा है। याद आया कुछ? थर्डवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन पे अनंत पे बन रहा था, छठवी कंडीशन में जो है वो जिस साइड वस्तु से उस साइड बन रहा था, बड़ा बन रहा था वस्तु से, आभासी बन रहा था। ये याद आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया याद। अब इसके बाद मैं वापस अपने न्यूमेरिकल पे आता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है मेरे को, यहाँ पर आप दूरदृष्टि दोष की कंडीशन समझिए थोड़ी सी। दूरदृष्टि दोष में कंडीशन क्या है? ये आई है आपकी, ये आंख है। अब इसमें हो क्या रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो वस्तु यहाँ पर रखी हुई होगी, यहाँ पर रखी हुई होगी, वो दिखाई नहीं देगी, दिखने नहीं वाली, क्योंकि वो पास रखी हुई है। कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई होगी वो दिखाई दे जाएगी, क्योंकि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा होता है ना, पक्का ना, याद है ना सभी को? ऐसा होता है, दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब वो पास की वस्तु को कैसे देखे, उसके लिए क्या करते हैं हम, उत्तल लेंस लगा लेते हैं। पास की वस्तु को देखना है उसको, ये वाली वस्तु हटा दो अभी, पास की वस्तु को देखना है उसको। उसने क्या करा, उत्तल लेंस लगा लिया। अब ये वस्तु जो है वो कहाँ रखी हुई होगी, इसके फोकस बिंदु और प्रकाशीय किरण के बीच में रखी हुई होगी। इसका प्रतिबिंब ये वाला, ये जो लेंस है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, इसका प्रतिबिंब एक प्रकाश किरण ऐसी समांतर आती तो ऐसी ऐसी जाएगी, और इसका प्रतिबिंब जो है वो पीछे की साइड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये एक प्रकाश किरण ऐसी जाएगी और इसका जो है वो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनाएगा। कैसा बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा, सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, दूर बना दिया। अब जो ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस ने बनाया ना, ये वाला प्रतिबिंब इस वाले बंदे के लिए क्या काय का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, और वो आसानी से जो है वो विजिबल हो जाएगा। वो आसानी से उसका जो प्रतिबिंब बना, उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। और इस बंदे को ये वाली वस्तु जो है, ये वाली वस्तु जो है वो कैसे दिखने लगेगी, साफ दिखने लगेगी। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? भैया हाँ लक्ष्मी,
इसलिए ना उसको माइनस में लिया होगा बाकी, क्योंकि वो इस साइज बन रहा है ना। हाँ बिल्कुल, मैं जब से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप ये भी बोल सकते हो कि मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके थ्रू, है ना। क्योंकि जो बस अपन ने बी लिया हुआ है, आप खुद सोचो जो हम इसके पहले की कंडीशन ले रहे थे, उस हर केस में जो है वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वो रेटिना पर बन रहा था, रेटिना पर बन रहा था। तो इस साइड की दूरी तो हम ये यू ले रहे हो, तो आप ये माइनस में लो, ये प्रतिबिंब तो प्लस में लेना चाहिए ना। फिर आप यहाँ पर जो न्यूमेरिकल, ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल, इसमें वी माइनस में क्यों ले रहे हो? वो वी माइनस में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अब आपके सामने बात क्लियर होगी, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, ये लेंस के सामने रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब वो इस साइड बना रहा है, छठवीं कंडीशन की बात हो रही है। और अब जब ये वाला प्रतिबिंब बन गया है ना, ये प्रतिबिंब जो है इस बंदी के लिए वस्तु का काम करेगा, और इसकी आंख जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगी, वापस रेटिना पर बना देगी, जिसके कारण से इस बंदे को जो है वो दूर वस्तु जो स्पष्ट दिख रही है, जिसके कारण से ये वाला बंदा जो है वो इस वस्तु को देख पाएगा। अब अगर मैं ये वाला डायग्राम आपको उसमें बनाऊं तो वो गलत बनेगा, वो सही तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो पूछा हुआ चित्र बनाकर दर्शाइए दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। अगर ये वाला डायग्राम आपने बना दिया तो एग्जामिनर इसको गलत कर देने वाला है। लेकिन समझने के लिए ये डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि बी माइनस में लेना है हमको, है ना। इसलिए आप क्या करोगे, ये वाला डायग्राम जो है वो रफ में बनाओगे कहीं, और यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा आपका, ये वाला डायग्राम जो है वो आपको रफ में बनाना है समझने के लिए, और यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो यही वाला डायग्राम बनेगा। आप बाकायदा आंख बनाइए, वस्तु को यहाँ पर रखिए, इस पास रखी हुई है वस्तु, एक एक प्रकाश किरण ऐसी आपतित करवाइए, एक प्रकाश किरण ऐसी आपतित करवाइए, इसको वापस प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता हुआ दिखा दीजिए। आपको मालूम है प्रतिबिंब बाद में बनेगा, क्योंकि आपने जो है वो दूसरा बिंदु अभी लिया नहीं, अब ले रहा हूँ मैं, ये जो है वो इसका प्रतिबिंब बना रहा होगा, कौन बनाएगा। लेकिन यहाँ पर लेंस बनाना बहुत जरूरी है, अगर लेंस नहीं बनाया आपने और ये बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, लेंस बनाना बहुत जरूरी है। लेंस मैंने बना दिया यहाँ पर, कौन सा लेंस बनेगा दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए, उत्तल लेंस बनेगा, मैंने यहाँ पर ये लेंस बना दिया। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, आप एन डैश कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एन डैश बोलता हूँ। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और क्या बन जाएगा इसका, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो संशोधन वाला डायग्राम ऐसा बनेगा। अब वापस आ जाते हैं हम, दिया क्या है पे, दिया है क्या है पे, है ना। तो अब यहाँ पर जो दिखा हुआ है, इसका जो दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति का निकट बिंदु है वो कितना, 1 मीटर है। निकट बिंदु मतलब कि जहां तक ये चीज देख सकता है, जहां पर ये चीज देख सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर वस्तु को देख सकता है ना, वो 1 मीटर है। और इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी ज्ञात करना, ये तो मेन क्वेश्चन ही, आपको क्षमता ज्ञात करना है, पावर ऑफ लेंस ज्ञात करना है, मतलब आपको फोकस दूरी पता होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस ज्ञात करना है ना, तो फोकस दूरी पता होगी तब आप पावर ऑफ लेंस निकाल पाओगे। और दूसरा दिया हुआ है उन्होंने बिंदु, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए सामान्य का निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला पॉइंट वो है कितना है, वो 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपको एफ ज्ञात होना है तो आपको मालूम है यू और वी दिए हुए होंगे, एफ हमको फाइंड करना है और पी भी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे दिया है यू बराबर से वी बराबर से एफ बराबर से पी बराबर से। तो एफ और पी तो हमको ज्ञात करना है, तो हमने ये लिख लिया कि ये एफ और बी ज्ञात करना है। अब यू भी कौन कौन से, इन दोनों पेयर से हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा, ये यू है कि ये यू है, ये वी है कि ये वी है, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमको रफ डायग्राम पे आना पड़ेगा, हमको रफ डायग्राम पे आना पड़ेगा, और हमको ये पद बताना पड़ेगा, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ना, यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ का जो दूरी होगी वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर होगा, और जो ये वाली जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये वाली जो दूरी है वो लंबी दूरी होगी, ये कितना होगा, ये 1 मीटर की दूरी होगी, यानी कि ये प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि ये कितना होगा, ये बी होगा 1 मीटर, और ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये क्या होगा, यू होगा। दोनों ही लेंस से किस साइड है, बाई ओर इससे स्थित है, इसलिए दोनों ही काय में होंगे, माइनस में होंगे। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, और वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 मीटर, माइनस का एक मीटर। 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। मैंने इतना सा कुछ आपको समझाया वो केवल इसलिए कि ये माइनस बी क्यों लगा रहा है, सेटिस्फेक्शन मिले आपको कि माइनस बी इसलिए लगा रहा है ना। थोड़ा सा टिपिकल थी, बहुत सारी बातें बताना पड़ी पिछली,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कुछ सीखने को मिल रहा है तो ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम, लेंथ सूत्र लगाएंगे। तो लेंथ सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। 1/f फाइंड करना है, नहीं लिख रहा हूँ मैं उसको। 1/b कितना है, -100। u कितना है, -25। ये वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 100 प्लस का 1/25। एलसीएम कितना जाएगा, 25 और 100 का 100 ही आ जाएगा। 100 का भाग देंगे 100 में तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो माइनस का एक आएगा, प्लस 2500 को 100, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो 4 × 4 कितना जाएगा, प्लस का 4 और एक का माइनस एक, 4 में से एक गया, 3/100। इकाई की वैल्यू आई है 1/f की। हमको 1/f चाहिए कि f चाहिए, f चाहिए, ऊपर नीचे कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f = 100/3। 100/3 ठीक। अभी इतना ही रहने दो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। 33.33 आएगा f की वैल्यू, ये आई फोकस दूरी कायम में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि हमने चेंज कर लिया था, सेंटीमीटर में आई। अब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करेंगे तो काय से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बटे में अगर एक लिख दूं तो बटे के बटे में संख्या पलट जाएगी। फोकस दूरी, यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, सेंटीमीटर में ही रख देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है वो। इतना कुछ समझने के बाद भी इतनी छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत कर देगा आपका। यहाँ पर बटे के बटे में संख्या पलट जाएगी, इसको जो है हम पलट के लिख लेंगे 100/3। हाँ भैया, ये 1000 कहाँ से आया, 1000 कहाँ से आया, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड कर चेंज कर रहे हैं ना अपन, तो 100 से होता है ना भैया, तो आएगा ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मेरी गलती है, सही तो लिखा है, कहाँ लिखा 1000, कुछ भी, 100 से 100 कैंसिल है ना, कितना जाएगा 1/3। 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 मीटर। 0.3 मीटर फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.3। फोकस दूरी पूछी थी क्या हमसे, हमसे तो लेंस की क्षमता पूछी थी, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए फोकस दूरी पता चल गई हमको, पी बराबर से फोकस दूरी कितनी है, 0.3। दशमलव हटा, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। पावर ऑफ लेंस कितना जाएगा, 3/9 बचा, 3/9 डायोप्टर, 3.3 डायोप्टर प्लस में ही आ रहा है ना, तो लेंस जो है वो प्लस में जो है वो उत्तल लेंस के लिए आता है डायोप्टर, इसलिए जो है वो ये लेंस की क्षमता। अब हो गया आपका सवाल 3.3। लक्ष्मी आंसर सही आया आपका, हाँ भैया, हाँ खुशी करा था आपने, ये 3 आ रहा है, 3.3 आ रहा है ना, 3 से डिवाइड नहीं करा क्या भूमि, भूमि किया था बेटा भैया, 1 की वैल्यू 10 क्यों रखी, क्या 1 की वैल्यू 10 क्यों रखी, 1 की वैल्यू 10 है कि नीचे दशमलव हटा है, अच्छा भैया मेरे में तो मैंने करा था, तो यहाँ पे जहाँ आपने करा ना 1 से 3 का डिवाइड, तो मेरे में 0.33 करा था, 0.33 का करा था, तो भी इतना ही आएगा, हाँ 3 आर नहीं, एक बार सॉल्व करना भूमि, क्या दिक्कत हुई नहीं करा भैया, वो मेरा कल है ना कट हो गया था, नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं कोई करा, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले वाला आप करना है ना, इसके पहले वाला एक बार करके देखना। और अर्चना आपने करा भैया, किया था आधा, किया था आधा नहीं, अब कर लेना, आज कर लेना पूरा, आज समझ में आ गया होगा ना, आज अपने दिमाग में बैठ गया है कि वी यू और वी कैसे आ रहे हैं, दूरदृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा रहा है। प्रिंस है, प्रिंस ने किया, चलो नहीं बोलना उसको, आशिफा प्रिंस है ही नहीं, आशिफा किया था,
भैया 3.0D आएगा, 3.0D आएगा, मैंने गलत किया है कुछ? भैया मैंने बुक में देखा पीछे आंसर ये है, 3.0 आ रहा है। चलो देखते हैं एक बार, क्रॉस चेक करते हैं, कुछ गलती करी हो सकता है अपन ने। मैं भी तो यही बोल रही थी। तो तुमने, मैंने कहाँ गलती करी, गलती बताओ। खुशी आप बताओ, फोकस दूरी कितनी आई उसकी मीटर में? 0.33। जब 0.3 यहाँ पर पुट करेंगे बेटा, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा ना। मैंने गलत तो नहीं करा है, सही करा है मैंने, बुक में माइनर मिस्टेक होगी। आंसर यही आ रहा है, मैं एक बार नेट पे भी कंफर्म कर लेता हूँ। वन डिवाइडेड बाय 0.33, 3.03 आ रहा है। मैंने भाग देने में मिस्टेक करी क्या? एक्चुअली यहाँ दशमलव का खेल है पूरा, अगर मैं 0.33 लेता हूँ तो यहाँ पर 100 हो जाएगा ना। हाँ देखो मैंने क्या गलती करी, भाग गलत दिया है मैंने। क्यों भाग गलत दिया है देखो ध्यान से इसको, मैं 3 का भाग दे रहा हूँ 10 में, 3 × 3 = 9 हो गया। भाग देना था ठीक है, सुनो अब आगे सुनो, 3 का भाग दिया 3 बार गया, क्यों वो 3.0 आ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। 3 का भाग दिया 9 बार गया, बचा 1। अब 3 से भाग जाएगा क्या 1 में? नहीं जाएगा। दशमलव लगाया उसके बाद एक जीरो भी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं, है ना। तो 3 × 3 = 9, यहाँ पर एक बचेगा, अब जीरो बढ़ा सकता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर 3.03 आएगा। इसके कारण से बुक ने क्या लिख दिया है, 3 डायोप्टर आंसर लिख दिया है। एग्जैक्ट आंसर होगा 3.03, एग्जैक्ट आंसर होगा 3.03, भाग देने में मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, क्लियर है, कहाँ गलती कर रहे थे? हाँ भाई, यहाँ और एक और बात यहाँ पर जो है वो आप, हाँ लक्ष्मी एक चीज बोलूँ? हाँ भैया, जो पुरानी कॉपी है ना, हाँ उसका एक चीज बता रहे, मैं आपको सवाल देख रहा है, 2 मिनट।